जय हिंद साथियों, वंशिका आल जाव हिंदी चैनल में स्वागत है। साथियों, एक और वैकेंसी निकल के आई हुई है, जो कि ये वैकेंसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में पड़ता है, दिल्ली में ये वैकेंसी निकली हुई है साथियों। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है साथियों। तो इस वीडियो में आप लोग को ये बताएंगे, सारा कुछ जानकारी मिलेगा साथियों, कि आप लोग को फॉर्म कब भरना है और साथियों किस एज के कैंडिडेट इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में जॉब कर सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगा है और सारा कुछ डिटेल साथियों इस वीडियो में मिलेगा साथियों। तो वीडियो अंत तक देखिएगा साथियों। आप लोग वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं, जो साथी अंत तक वीडियो नहीं देखते हैं, फुल वॉच नहीं करते हैं, वही साथी बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं। तो साथियों, आप लोग से यही कहना चाहता हूँ साथियों, कि आप लोग वीडियो फुल देखिए, फुल वॉच करिए, आप लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन उस वीडियो जो भी बनाता हूँ साथियों, पूरा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अगर वीडियो अंत तक देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा साथियों। तो साथियों, इस वीडियो में आप लोग को ऑनलाइन करने के लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, लिंक पर क्लिक करके आप लोग फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फॉर्म भी बता देंगे साथियों कैसे भरना है, और आप लोग जैसे फॉर्म भरेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर वैसे आएगा, इंटरव्यू का डेट भी आ जाएगा। तो सारा कुछ डिटेल इस वीडियो में साथियों मिलेगा साथियों। तो साथियों, आप लोग लगे रहिए, नोटिफिकेशन दिखाने जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोग को नोटिफिकेशन दिखाने जा रहे हैं। तो साथियों, आप लोग को बता दें, ये जो रिक्वायरमेंट निकला है, तो ये रिक्वायरमेंट दिल्ली एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि बोला जाता है, दिल्ली में निकला हुआ है साथियों। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और साथियों आप लोग ये जो लिंक दूंगा, रजिस्ट्रेशन करके ज़रूर इंटरव्यू देने जाएं साथियों, बहुत अच्छी वैकेंसी है साथियों। तो बता दें साथियों, दिल्ली एयरपोर्ट जॉब वैकेंसी 2022 में निकाला हुआ है साथियों। लोकेशन बता दें साथियों, तो दिल्ली में वैकेंसी निकला हुआ है साथियों। जेंडर की बात करें तो ओनली मेल कैंडिडेट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, इस फॉर्म को अप्लाई करके इंटरव्यू देके जॉब पा सकता है साथियों। ओनली मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 वर्ष कैंडिडेट का होना चाहिए। क्वालिफिकेशन यानी योग्यता क्या होना चाहिए, तो कैंडिडेट के पास ITI होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए साथियों, ITI या डिप्लोमा, ओनली साथियों ITI या डिप्लोमा। और ट्रेड बता दें, ट्रेड ओनली साथियों ITI में इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए साथियों, तो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए साथियों। सैलरी बता दें तो सैलरी आप लोग का इंटरव्यू पर डिपेंड करेगा, यानी आप लोग जिस हिसाब से इंटरव्यू देंगे उस हिसाब से आप लोग का सैलरी वहां पे रखा जाएगा साथियों। तो आप लोग को ऑनलाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे देंगे, उस लिंक पे आप लोग क्लिक करके आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं साथियों। तो साथियों, काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकला हुआ है, जो कैंडिडेट ITI डिप्लोमा किए हैं उनके लिए सुनहरा अवसर है साथियों। तो ITI ट्रेड आप लोग को बता दिए कि इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए साथियों, इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए साथियों। तो असली बेसिक इंटरव्यू पर आप लोग का जैसे हिसाब से आप लोग इंटरव्यू देंगे उसी हिसाब से आप लोग का सैलरी रखा जाएगा। फॉर्म कैसे भरना है साथियों, आप लोग को बता देते हैं। फॉर्म जो है ऑनलाइन है, ऑनलाइन हम लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे देंगे, जो कि आप लोग जाके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं साथियों। तो ऑनलाइन जैसे आप लोग वो लिंक को क्लिक करोगे, पहले फर्स्ट में अपना नाम लिखेंगे, दूसरा में कॉन्टैक्ट नंबर, आपका जो मोबाइल नंबर होगा पर्सनल होन मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद अल्ट्रोनेट यानी दूसरा मोबाइल नंबर लिखेंगे साथियों, उसके बाद चूज करने के लिए आएगा चौथा में जेंडर मेल हो या फीमेल हो। तो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए ही ये फॉर्म अप्लाई करना है, तो मेल पर आप लोग क्लिक करिएगा। उसके बाद साथियों, पांचवा कॉलम में फादर नेम, आपका जो पिताजी का नाम होगा वो उसमें दर्शा देना है। छठवा कॉलम में मदर नेम यानी आप लोग का माताजी का जो नाम है वो उसमें दर्शा देना है साथियों। डिस्ट्रिक्ट यानी साथियों आप लोग का जो जिला पड़ता है, जिला आप लोग को उसमें
दर्शा देना है साथियों। आठवां कॉलम में आप लोग को स्टेट यानी किस राज्य का रहने वाले हैं, तो स्टेट आप लोग जिस राज्य का भी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश हो, जिस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं वो स्टेट आप लोग को दर्शा देना है साथियों। एज लिमिट की बात करें तो साथियों आठवां कॉलम में एज यानी आप लोग का उम्र क्या है, जन्मतिथि क्या है वो आप लोग को दर्शा देना है साथियों। नौवां कॉलम में डेट ऑफ बर्थ इसमें आठवां कॉलम में साथियों एज, जैसे आप लोग का 27 वर्ष हो गया, 26 वर्ष हो गया, जो भी आप लोग का एज काउंट होगा वो दर्शा देना है। नौवां कॉलम में डेट ऑफ बर्थ यानी आप लोग का डेट ऑफ बर्थ क्या है वो दर्शा देना है। सातवां नौवां कॉलम में साथियों एडुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आप लोग का शिक्षा क्या है साथियों वो दर्शा देना है। उसके बाद साथियों दसवां कॉलम में आप लोग को एडुकेशन में आप लोग का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो साथी आईटीआई किए हैं आईटीआई पे क्लिक करेंगे, जो साथी डिप्लोमा किए हैं डिप्लोमा पर क्लिक करेंगे साथियों। दसवां कॉलम में आईटीआई एंड डिप्लोमा सब्जेक्ट, कृपया अपना जो भी दसवां कॉलम में आईटीआई में जो भी सब्जेक्ट होगा या डिप्लोमा में जो भी सब्जेक्ट होगा दसवां कॉलम में साथियों आप लोग को दर्शाना है साथियों। तो साथियों काफ़ी अच्छी वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग ये वीडियो जो आप लोग के पास जाएगा अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिए साथियों, ताकि आप लोग का दोस्त भी इस जॉब को पा सके। तो साथियों आईटीआई डिप्लोमा के लिए एक सुनहरा अवसर निकला हुआ है साथियों, तो आप लोग जल्द से जल्द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए। आप लोग का इंटरव्यू डेट आएगा साथियों, उस इंटरव्यू डेट पर आप लोग जाके इंटरव्यू दीजिए और सलेक्शन पक्का हो जाएगा। जो साथी बढ़िया से तैयारी किया होगा, आईटीआई किया होगा, डिप्लोमा किया होगा साथियों, तो साथियों जैसे भी वैकेंसी आएगी इस चैनल के माध्यम से तुरंत पता चलता है, तो वंशिका आलजा हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करिए साथियों। तो साथियों जैसे वैकेंसी आएगा तुरंत इस चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।